जी हाँ, ताल ठोक के सवाल यही पूछ रहे हैं, जंगल मुक्त, जंगल राज मुक्त बिहार कब, अपराध मुक्त बिहार कब। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, सुधांशु त्रिवेदी साहब बीजेपी की तरफ से हैं, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की तरफ से हैं, राकेश सिन्हा साहब आरएसएस के थिंकर हैं, डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता हैं। मृत्युंजय तिवारी साहब, जो सवाल मैंने भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सुनील सिंह से पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ सर। आपको नहीं लगता नीतीश कुमार को जाना चाहिए था, सिवान जाना चाहिए था, गया जाना चाहिए था? जनता परेशान है, उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था सर। देखिए, अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई में कोताही बरती जाती या उसको नेगलेक्ट किया जाता तब मुख्यमंत्री जी जाते। भारतीय जनता पार्टी के तरह हम फोटो खिंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी के वहां जाने से उनका जांच में या उनके कार्रवाई में जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की गई है, त्वरित आप देखें, उसी दिन पिता को गिरफ्तार किया गया, उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया। कब किया गया मृत्युंजय तिवारी साहब, फैक्ट्स पे, कब गिरफ्तार किया गया रॉकी को, और आपके एमएलसी के बारे में क्या डिटेल्स है? जेडीयू के एमएलसी को क्या गिरफ्तार किया जा चुका है, मनोरमा देवी को? रॉकी को दूसरे दिन रात में गिरफ्तार किया गया, और कहां से? उसी के पिता के डेयरी फार्म से। और एमएलसी को लेकर क्या आपके पास जानकारी है सर? ताजा जानकारी दीजिए दर्शकों को सर। ताजा जानकारी है, मनोरमा देवी के घर पर आपने देखा सील करके उसमें चिपका दिया गया है। मनोरमा देवी कहाँ है? अगर 28 तक मनोरमा देवी कहाँ है? पर मनोरमा देवी भी आप देखिए कुछ पत्रकार होंगे और उनको भी राजदेव रंजन के हत्यारे कहाँ है सर? पत्रकार राजदेव रंजन के हत्यारे क्या है? और अब मैं एक कदम आगे बढ़ती हूँ सर, तेजस्वी यादव ने कहा सर, सुनिए मेरी बात, दो लोग हिरासत में सर, मेरी बात सुनिए, दो लोग हिरासत में सर, मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव ने तुलना कर दी थी लॉ एंड ऑर्डर की पठानकोट हमले के साथ। क्या आज आप जी न्यूज की इस डिबेट पर बैठकर यह आश्वासन दे सकते हैं कि जब इन हत्यारों को पकड़ा जाएगा तो इनके साथ सलूक आतंकियों जैसा ही किया जाएगा सर? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जिन बातों को कहा था उसी बात को हम कह रहे हैं कि अगर घटना कोई प्रायोजित या पहले से नहीं था कि ये घटनाएं घटी। आज झारखंड में भी पत्रकारों की हत्या हुई, साथ 6 महीने में 600 मर्डर, मध्य प्रदेश में हुआ। आप झारखंड की तरफ इशारा मत कीजिए, आपकी जान साफ नहीं होगी उससे सर, आप जिम्मेदारी से नहीं बचेंगे। तो हम तो बिहार में तो त्वरित कार्रवाई की जाती है और गिरफ्तार किया जाता है आरोपियों सर, को सजा दी जाती है। कौन सी गिरफ्तारी हुई है सर, आप मुझे बताइए, कौन से बड़े क्रिमिनल को कन्विक्ट किया गया पिछले 6 महीने में सर, बताइए आप बताइए कि कौन से अपराधियों को संरक्षण सरकार ने दिया है, किसका सर, मैं तो बहुत लेटेस्ट एग्जांपल पे बात कर रही हूँ, मैं तो महीनों पीछे जाऊंगी भी नहीं। आपकी एमएलसी कहाँ है, जेडीयू की एमएलसी कहाँ है, आपको नहीं पता? मृत्युंजय जी एक प्रश्न का जवाब दीजिए, बिहार सरकार का एक मंत्री जेल में एक अपराधी से मिलने जाता है, यह क्या संदेश देता है? यह अपराधियों को उत्साहित करता है या अपराधियों को निरुत्साहित करता है? अपराधियों से मिलने जाता है, हमारे पार्टी के सांसद हैं और कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब इस तरह से आप कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी है, कौन सी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के वो कौन सी कार्रवाई चल रही है? हत्या का मामला, हत्या के मामले में जेल में है, कन्विक्टेड है जब तक, वो कन्विक्टेड है। देखिए, अरे कन्विक्टेड होने में, आरोपी होने में अंतर होता है। राकेश सिन्हा जी मैं यह कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों में हमारा कोई, किसी भी राजनीतिक दलों में आप बता दीजिए, मेरा यह कहना है, आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में जिसके साथ है एनडीए में। मृत्युंजय जी, आपके पास उनके सवाल का जवाब नहीं है, मृत्युंजय जी आपके पास उनके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास अगला सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी लगातार हाथ भी उठा रहे हैं, मृत्युंजय जी, सुधांशु त्रिवेदी, अदिति जी राकेश जी जल्दी से बात पूरी करेंगे, सुधांशु जी काफी देर से इंतजार करें, 30 सेकंड मुझे दीजिए जी, 30 सेकंड जी। मेरा इतना ही कहना है कि आपकी पार्टी में जेडीयू में लगभग 80 में से 49 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं और आरजेडी के में लगभग 37 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। क्या पार्टी को ऐसा काम कर रही है कि अरे मैं तो कह रहा हूं बीजेपी, मैंने पहले ही कहा था कि सभी पार्टियों में, लेकिन चूंकि आप सत्ताधारी दल हैं, सत्ताधारी दल होने के कारण जो पुलिस और प्रशासन का एक किसी न किसी रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो वृद्धस्त मिल जाता है, उसके कारण बिहार अब अनिश्चितता में जा रही है। मैं तो जंगल राज नहीं, अनिश्चितता कर रहा हूं। हॉब से पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये अनिश्चितता हो जाए, कौन कब किसको मार दे, हम निश्चित रूप से उसको उसी को स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं।
आप प्राकृतिक अवस्था में बिहार को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, सहमत है, ठीक है रे राकेश सिन्हा जी, हम सहमत है कि राजनीतिक दलों में ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो जो सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने, लेकिन राकेश जी ने जो पूछा, क्या मुझे सुधांशु चतुर्वेदी हमारे दल में थे उस समय वो अपराधी थे, मृत्युंजय जी, और जो हमारे दल से चले गए बीजेपी सर, आपके पास उनके सवाल का जवाब नहीं था, प्लीज शांत हो जाइए। सुधांशु त्रिवेदी, केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार की दिलचस्पी है, किसी से छिपा नहीं है, वो लगातार खुद को प्रधानमंत्री मोदी के सामने पोजीशन करने की कोशिश करते हैं अपने बयानों के जरिए, अपने जो उनके विजिट्स हैं हाल फिलहाल में, जिस तरीके से वो अपनी राजनीति को प्लान कर रहे हैं उसे देखते हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले थे तो उनके पास गुजरात मॉडल था, नीतीश कुमार क्या ऐसे बिहार मॉडल के साथ जाएंगे जनता के पास? देखिए अदिति जी, जो बिहार मॉडल है, और अभी आपने जो प्रश्न किया कि पीड़ित परिवार के यहां न जाना, सुनील सिंह जी ने यह बोला कि संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है और संघ मुक्त भारत, मैं चारों को मिलाकर उत्तर देता हूं। देखिए, संगठित अपराध की जब बात आती है तो सबसे भयानक संगठित अपराध होता है आतंकवाद। क्या यह सत्य नहीं है कि हमसे गठबंधन टूटने के 6 महीने के अंदर पटना में बम धमाके तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी की रैली में हुए थे? उससे पहले बिहार में आतंकवाद की घटनाएं बरसों तक नहीं हुई थी। गया की घटना उसी समय में हुई। तो संगठित आतंकवाद और इतना भयानक अपराध का क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बिहार संघ मुक्त सा होने लगा था। दूसरी बात, संवेदनशीलता की बात है परिवार में न जाना, तो हम वो अपेक्षा भी नहीं करते महागठबंधन की सरकार से। अरे इन्होंने पठानकोट का उदाहरण दिया तेजस्वी यादव जी ने, अरे जब सीमा पर मारे गए बिहार के जवानों के शव पटना एयरपोर्ट पर उतरे थे तो बताइए कौन गया था? एक भी मंत्री रिसीव करने नहीं गया था। हाँ, इशरत को बिहार की बेटी और यासीन भटकल के बारे में क्या क्या कहना हो तो ये सारे के सारे लोग तैयार रहते थे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका संघ मुक्त भारत ये है कि शहीद जवान के शव को रिसीव करने कोई मंत्री ना जाए, और हमारा संघ युक्त भारत कौन है? हम अपना शब्द नहीं बोल रहे, 1962 के युद्ध के समय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने चाइना युद्ध के समय जिस ढंग से संघ ने सहयोग दिया, उन जवाहरलाल नेहरू को जिन्होंने संघ पे प्रतिबंध लगाकर हमारे लोगों को जेल भेजा था, जिसके के लिए 26 जनवरी 1963 को उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने को दिया। यह है संघ युक्त भारत और आपका था संघ मुक्त भारत। यह है हमारी संवेदनशीलता और यह आपकी संवेदनशीलता कि आपके लंबी चौड़ी प्रवचन मत कीजिए। आपने जम्मू कश्मीर में किसके साथ समझौता किया है? लंबी चौड़ी जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने किसके साथ समझौता किया है? 2 महीने से बिहार पुलिस ने अपनी वेबसाइट का प्रवचन हटा रहे हैं। पिछले 2 महीने से बिहार पुलिस की वेबसाइट से हत्या के आंकड़े क्यों गायब है? मृत्युंजय जी आराम से बात कर सकते तो हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? में हत्या हो रही है रोज, छत्तीसगढ़ में रोज हत्या हो रही है, बड़ी गर्म जोशी से कहा कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देना चाहिए, और उस बिल्ली यादव को टिकट दिया जिसने बिहार की हत्या को करने के आरोप में राज्य का मुकदमा लगा था। बिहार की हत्या को मत देखिए, बिल्ली यादव पर राज्यों में देखिए क्या हो रहा है। पहले आरजेडी में नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता की बात नहीं शोभा देती है। आपने जम्मू कश्मीर में जो सत्ता के लिए आपने किससे हाथ मिलाया? तो सुनील सिंह के पास उनसे सवाल लेना है, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आपके मंत्री छात्र पास आप इधर उधर मत बताइए, आप अपने राष्ट्रीय जनता दल से निकले हुए नेता हैं बीजेपी के पास। मृत्युंजय जी, ये डिबेट जम्मू कश्मीर पर नहीं हो रही है और ना ही वहाँ पर आरजेडी पावर में है, उसको लेकर आप सवाल मत करिए सर, प्लीज मुद्दे पर रहिए।